ठीक है। गैलेक्सी A12 आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया है। हेलो, प्रकाश जी एक सेकंड। हाँ, हेलो प्रकाश भाई। ओके अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। काजल जी, आप रेडी हैं? हाँ सर। हाँ, आप लीजिए। और दो गाने के बाद हम अब हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का इंट्रोडक्शन देंगे, सेजल पारिक जी का। ओके ओके सर। सेजल जी, आप भी तैयार रहिएगा। ओके हाँ हाँ आएंगे। ओके ओके, चलिए। नमस्ते भारत और हमारे सभी दुनिया के सभी देशों से आए हुए श्रोता जनों का, मैं काजल सचदेव और
हमारे द वॉइस ऑफ इंडियन एनीबॉडी कैन सिंग के ऑर्गेनाइजर मिस्टर प्रकाश चंदे जी और मिस्टर उमेश मिंटी जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब यहाँ पर आए और अपना कीमती समय देकर हमारे सभी कलाकारों को सुनने के लिए यहाँ ऑनलाइन इकट्ठा हुए, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर हम आजादी के 75 साल मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसे हम कहते हैं आजादी का महोत्सव। जी हाँ, आजादी का महोत्सव कभी भी शक्य नहीं होता अगर हमारे देश के वीर जवानों और उनके परिवारजनों ने हमारे लिए त्याग नहीं दिया होता, तो आज शायद हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए होते। तो आज का जो हमारा आजादी का महोत्सव है, जो हम ऑनलाइन सिंगिंग के जरिए मनाने वाले हैं, वो उन वीर जवानों को और उनके परिवार जनों को समर्पित करते हैं। आशा है सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। और जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम आजादी का महोत्सव कभी भी शक्य न होता अगर हमारे ये दो महान हस्ती जैसे कि उमेश सर और प्रकाश मिंची जी, प्रकाश चंदे जी और उमेश मिंची जी, अगर इसे शक्य नहीं बनाते तो हम इस मुकाम तक कभी भी पहुंच नहीं पाते, जिन्होंने कोविड के इस समय में सभी को एक जीने की नई राह दी है और इस नाजुक नाजुक परिस्थिति से हमें सिंगिंग के जरिए बाहर निकाला है। तो थैंक यू सो मच प्रकाश जी और उमेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किसी भी मूल्य को ना लेकर सभी सिंगर्स को एक नया चांस दिया है और सभी को एक नया मुकाम दिया है। तो चलिए अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन थोड़ी देर बाद दूंगी, तो पहले हम दो सिंगर्स को ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगी। हीना सदानी जी, सूरत से आप रेडी हैं? यस काजल जी, रेडी हूँ। हाँ, तो आपके लिए दो लाइन, जैसे कि आपने आजादी का ही गाना पसंद किया है, गाना जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खौल उठा फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो देश, तभी तो हमारा यारो आजाद रहा। तो हीना जी के गाने के बोल है, ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, तो आप अपना गाना शुरू कर सकती हैं। ओके ओके ओके, वतन मेरे वतन, है वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। मेरे वतन, मेरे वतन,
थैंक यू, जाएगी। जय हिंद वीणा जी, बहुत ही प्यारा गाया आपने। अभी मैं इंदर जी को ही ले लेती हूँ। ले लूँ अभी इंदर जी को? हेलो वीणा जी। हेलो मैम। हेलो वीणा जी, मैं इंदर जी को ले लूँ अभी? पहले सॉरी, मैं आप सभी को गाने के ऑनलाइन सिंगिंग के रूल्स बताना भूल गई हूँ। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑनलाइन सिंगिंग के समय सभी को अपना माइक म्यूट रखना है। जो सिंगर गाने वाले हैं उनको ही सिर्फ अपना माइक अनम्यूट करना है। आपका जब भी नाम लिया जाए तभी आपको अपना माइक अनम्यूट करना है। और गाने के रूल्स है, आपको 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट तक ही आपको अपना गाना गाना है। उसके आगे अगर आप ना गाएं तो अच्छा है, ताकि दूसरे सिंगर्स को भी गाना गाने का मौका मिल पाए। तो थैंक यू अगर आप ये सब रूल्स ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच हिना जी। इंदर जी आप रेडी हो? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। भास्कर पांडे, सभी से निवेदन है कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। आप सभी का नाम रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप जैसे ही एंट्री लेते हो आप सभी का नाम रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्लीज आप बीच में कोई भी ना बोले, सभी को पुकारा जाएगा। जब भी आपका नाम लिया जाए तभी आप अपना माइक अनम्यूट रखें। अभी प्लीज फिलहाल के लिए सब म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो 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 काजल जी, 180 सेकंड्स और 3 मिनट्स। भास्कर पांडुरंग जी, पांडुरंग वालिंबे फ्रॉम थाने मुंबई से, आप रेडी हो? यस मैडम, रेडी हूँ। सितारों से आगे भी जहाँ होगा, जहाँ के सारी नजरों की कसम, आपसे प्यारा वहाँ भी कोई ना होगा। तो भास्कर जी के गाने के बोल है, बदम पे सितारे लपेटे हुए। चलिए आपका गाना शुरू कर सकते हैं आप। थैंक यू मैम। चलो मैं चालू करता हूँ। बदम पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना इधर जा रही हो, मेरा पास आओ तुझे ना जाए, मेरा पास आओ तुझे ना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना इधर जा रही हो, मेरा पास आओ तुझे ना जाए। हमी जस ना होंगे तो है दिल रुपा, किसे देख कर आए शर्मा दी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना,
हमारे नाराज घबरा बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना इधर जा रही हो ना करना हो तो लिखे जो खर तुझे वो तेरी याद में. हेलो हेलो सभी को निवेदन है प्लीज अपना माइक म्यूट रखें. सिर्फ सिंगर गाते हैं उन्हें ही अपना माइक अनम्यूट करना है. बाकी प्लीज सभी लोग अपना माइक म्यूट रखिए. आज हमारे बीच सेजल पारेख जी एज अ गेस्ट आई है हमारे बीच में. तो एक इंटेलेक्चुअल एट इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट प्रेजेंट मिस्टर इंडिया गैलेक्सी 2000 में जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी. सेजल जी आप ऑन स्क्रीन आ सकते हैं. आई एम देयर ओनली, आई जस्ट स्पीक माय स्क्रीन. थैंक यू सो मच आप हमारे वॉइस ऑफ इंडियन एनीबॉडी कैन सिंग के ग्रुप में आए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आप हमारे बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, मेरा नाम सेजल परीख है और मैं बोरीवली मुंबई में रहती हूँ. और सबसे पहले मैं प्रकाश भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आज मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद. और मैंने हाल ही में अभी दिल्ली में एक मिसिस इंडिया गैलेक्सी 21 करके ब्यूटी पैजेंट हुआ था, जो जिन्होंने वहाँ पे 16,000 टोटल एप्लीकेशन आए थे. उसमें से 37 टोटल फाइनलिस्ट थे, जिसमें से एक मेरा नाम भी था. और उसमें मैंने मिसेस इंटेलेक्चुअल का टाइटल जीता है. बहुत सारे राउंड्स थ्रू उन्होंने, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो वो सारे प्रोसेस से होके फिर उन लोग टाइटल्स देते हैं. तो एट द एज ऑफ 47 मुझे ये टाइटल मिला है, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आई हैव वॉन दिस टाइटल. एंड ऑल्सो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक सोशल, मेरा एक खुद का स्टार्टअप कंपनी है जहाँ मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करती हूँ. और मैं जो वेस्ट सेग्रीगेशन से ड्राई और वेस्ट को कैसे गीला सूखा कचरा कैसे सेग्रीगेशन करते हैं, उसकी अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह, फिर उसको कैसे साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाए, वो सब चीज़ें हम लोग बीएमसी के साथ जुड़ के करते हैं. तो बीएमसी जो आर सेंट्रल वार्ड और आर नॉर्थ वार्ड जो है, उनके दहिसर बोरीवली एरियाज में हम लोग ये ट्रेनिंग भी देते हैं और सबको बताते हैं कि कैसे सेग्रीगेशन करना है और क्या कैसे उसको प्रोसेस करना है. तो ये एक मतलब मेरा जो फिलहाल अभी मैं ये काम भी कर रही हूँ. और ये प्लेटफॉर्म थ्रू मैं लोगों को ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज आप एनवायरमेंट और पर्यावरण के लिए जागरूक होए, क्योंकि सब लोग का अगर इंडिविजुअल एक एक जन भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देगा तो हमारी धरती माँ को हम बहुत अच्छे से बचा सकते हैं और अपनी आगे वाली जनरेशन को हम एक अच्छा बेहतर लाइफ दे सकते हैं. थैंक यू. पहले तो आपके अवार्ड के लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आपने ऑनलाइन हम लोग के प्रोग्राम के जरिए इतना प्यारा और इतना अच्छा संदेश दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच. आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाँ गर्व होगा और जो मोटिवेशनल स्पीच आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब एज कोई महत्व नहीं रखता है. अगर आपको दिल में कुछ करने की चाह है तो आप कोई भी एज पे कुछ भी कर सकते हो. एज कोई उसका मतलब, एज इज जस्ट अ नंबर.
वो कोई महत्व नहीं है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, खासकर लेडीज की जो यूजुअली जो हाउस वाइफ है वगैरह है, जो हमेशा मतलब घर के काम से आगे बाहर कुछ सोचते नहीं है, तो उनके लिए है कि आप उसके साथ भी ये सब मैनेज कर सकते हो। तो ये एक है कि मतलब बाहर आइए और मतलब अपना टैलेंट, सबको हुनर है जो सबके साथ आप शेयर कीजिए। वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। यस काजल जी, अभी हरि देवराजन जी आप रेडी हो, उनके बाद ईश्वर एम वाघेला फ्रॉम मुंबई कांदिवली, आप भी रेडी रहिएगा। हरि जी आप रेडी हो? हेलो हरि जी आप रेडी हो? ईश्वर जी आप रेडी हो? हेलो, दो तीन जन का नाम ले लो, कोई इशू नहीं। भरत कंसारा जी आप रेडी हो? भरत कंसारा जी हेलो 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 काजल जी हाँ बोलिए। अरे होस्ट ने ईश्वर जी आप रेडी हो? हाँ तो आपको ले लेती हूँ पहले मैं। कुछ नशा तेरे रे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। इंद्र ईश्वर जी के गाने के बोल है। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। चलिए आप अपना गाना शुरू कर सकते हैं ईश्वर जी। जहां डाल डाल ईश्वर जी। यस यस वन मिनट, जस्ट वन मिनट। ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट जहां डाल डाल। हमने राखी जहां डाल डाल। अगर आप रेडी नहीं है तो और किसी के बाद में आप ले लो ईश्वर जी। जहां डाल डाल पर जहां डाल डाल पर तैयार कर लगा दिया। मनुष्य को पालक पनीर दे दिया, खुद कम खाया, बाकी कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हमारे हॉर्लिक्स से। एक कप हॉर्लिक्स में है आयरन जैसे पालक में, विटामिन सी जैसे ऑरेंज में, और कैल्शियम जैसे दूध में। हॉर्लिक्स पूरा फिनिश करे। Oh, God, it's a
असत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती वो धरती मुझे जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालती तो मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहिए फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा गाया आपने, थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार, बहुत ही प्यारा गाया आपने, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से एक बार हेलो, मैं गाने के रूल्स फिर से एक बार बता देती हूँ, 3 मिनट तक ही गाना गाना है आपको। हाँ हाँ सर, ओके। आप रूल्स बता दिए, बाद में अनिल परवर जी सर हाजिर है लेकिन उनका नाम यहाँ पे गैलेक्सी में कुछ और है, मतलब यहाँ पे ले लिया सर, लेकिन लिस्ट के सब। हाँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया सर। काजल जी मैं भी तैयार हूँ, इंदर भाई, इंदर जी आप अभी ले सकते हो आपका गाना। हाँ सर, रूल्स बता दीजिए। ठीक है,
हाँ गाने के रूप में फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, आपको 3 मिनट तक ही गाना है और 180 सेकंड तक ही गाना है, और प्लीज सिंगर के अलावा बाकी सभी को अपना माइक म्यूट रखना है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इंद्र जी आपके लिए 2 लाइनें, वक्त का खास होना जरूरी नहीं, वक्त का खास होना जरूरी नहीं, लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है, तो जसवंत सिंह जी का गाया हुआ गाना, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ पे। इंदर जी आप अपना गाना शुरू कर सकते हैं, और इंदर जी के बाद हरिदेव राजन जी आप रेडी रहिएगा। काजल जी अनिल भी रेडी है सेकंड नंबर, अनिल अनिल पड़वाल सेकंड नंबर रेडी है, उनका इंदर जी के बाद उनको दीजिए, फिर बाद में हरिराज। आपका नाम? हेलो काजल जी, मैं वीना ठक्कर भी रेडी हूँ। अभी 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 मत बोलिए सभी लोग, हेलो काजल जी अपने आप नाम पुकारेंगे तभी सभी लोग रेडी है, लेकिन जिसका नंबर है उनका नाम पुकारेंगे काजल जी। अनिल पड़वाल जी आप अपना नाम यहाँ पे अच्छी तरह से लिखिए। इंदर जी आप शुरू कर सकते हैं, इंदर जी आप अपना गाना शुरू कर सकते हैं। ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, काम मेरा मुझे याद आता रहा, काम मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल तो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, काम मेरा मुझे याद आता रहा, काम मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जग पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थकिया दे के मुझको सुलाती थी माँ, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, काम मेरा मुझे याद आता रहा, काम मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा
ये तस्वुर उन्हें खुद गुदा रहा चार पैसे कमाने मैं आया शहर गांव मेरा मुझे याद आता रहा गांव मेरा मुझे याद आता रहा वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ क्या गाया है आपने और गाने के बोल इतने प्यारे हैं सुनकर रोंगटे खड़े हो गए बहुत आपने निभाया भी बहुत प्यारा बहुत अच्छा निभाया थैंक यू सो मच इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए थैंक यू सो मच आप हमसे सूरत से हो तो गांव की याद तो आनी ही है चलिए इसके बाद अनिल पडवाल जी मुंबई बोरीवली से आप रेडी हो अनिल पडवाल जी हेलो अनिल पडवाल जी आप रेडी हो हेमंत पारेख जी आप रेडी हो अविनाश डांगले अनिल जी आपका म्यूट है अनिल जी अनिल पडवाल जी अब अनम्यूट कीजिए अपने आपको अनिल जी आपका म्यूट है अपने आपको अनम्यूट कीजिए या तो किसी के हेल्प ले लीजिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं हेलो अनिल जी हेलो अनिल जी अनिल जी आपने यहाँ पर गैलेक्सी A12 लिखा है तो एंकर को पता नहीं चलेगा कि अनिल जी आ गए कि गैलेक्सी अपना नाम जो है अपना अनिल बड़ ये जो आपका है ओके ठीक है हाँ आपके लिए दो मिनट आपके लिए दो लाइन बताना चाहूंगी मैं अनिल जी उड़ता फिरू आजाद पंछी की तरह उड़ता फिरू मैं आजाद पंछी की तरह तुझे चाहता हूँ मैं जिंदगी की तरह तुझे चाहता हूँ मैं जिंदगी की तरह तो अनिल जी के गाने का बोल है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा चलिए आप अपना गाना सुनिए अनिल जी के बाद हरी देवराजन जी आप रेडी रहिएगा मैं चलेगा नो प्रॉब्लम थोड़ा अपना एको कम कीजिए अनिल जी आप थोड़ा अपने माइक का एको कम कीजिए और ज्यादा है और हाँ बस अभी ओके ओके थैंक यू तेरी आंखों की दीवानियां पता क्या है तेरी आंखों की दीवानियां पता क्या है मुझे सुबह चले ये मुझे चाहे मेरा जीना मेरा मरना तेरी आँखों के सिवा दुनिया में तका क्या है की गलियों में तेरे बहारों के रिश्ते हुए मेरे ख्वाबों में क्या क्या नगर में बसते हुए की गलियों में तेरे बहारों के रिश्ते
काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है तू मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है प्यारा निभाया आपने आते रहिए और गाते रहिए थैंक यू सो मच हरि जी आप रेडी हो हरि जी के बाद जयंत गेजामल बदलापुर से आप रेडी रहिएगा आपके लिए है गणपति पापा का आप गाना गाने वाले हो गणपति पापा आए हैं साथ खुशहाली लाए हैं गणेश जी के आशीर्वाद से ही तो हमने सुख के गीत गाए हैं थैंक यू सो मच गणेश जी को याद करने के लिए आप अपना गाना शुरू कर सकते हो श्री गणेशाय धीमहि
थैंक यू। माहौल को पूरा भक्तिमय कर दिया आपने, जैसे कि अभी माई गणपति भी आ रहे हैं, तो गणपति बापा मोरिया। जय के गेजामल जी, आप रेडी हो बदलापुर से? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हाँ। आपके लिए दो लाइन। आन देश की शान, देश की हम संतान है, तीन रंगों से रंगा है तिरंगा, अपनी यही पहचान है। तो आपके जैन जी के गाने के बोल है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों। चलिए आप अपना गाना शुरू कीजिए। थैंक यू। कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ के कदम को न रुकने दिया। कट गए से हमारे तो कुछ हमने, सही माले का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की धुन रोज आती है। इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो मुंह में नहाती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने पूसे जमी पर रखी, इस तरफ आने पाए नाम कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे,
सुन पाए ना सीता का धामन कोई, राम भी तुम तुम्ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। नमस्कार जयन जी। हेलो। हाँ जी सर जी, आप गाना गा रहे हैं थे या रिकॉर्ड चालू करके रखा था? नहीं। इतना अच्छा सुर और ताल था, कैसा लगता है मोहम्मद रफी खुद मोबाइल में या तो वीडियो में गा रहे हैं? नहीं सर, और आप फिर भी आवाज मेरी थोड़ी आज मेरी आवाज थोड़ी गला खराब है मेरा, फिर भी कोशिश की है। अगर अच्छा होता तो आप मोहम्मद रफी की जगह ले लेते सर। नहीं सर, आपके यहाँ मैं पहले एक बार गाना गाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। सर मैं भी वही कमेंट्स देने वाली थी कि बिल्कुल मोहम्मद रफी जी की आवाज लग रही थी, आप गा रहे थे रिकॉर्डिंग। बहुत जगह से मुझे ये कमेंट्स मिलते हैं, आपकी आवाज है मोहम्मद रफी जैसी। और मैं फिर से एक बार हमारे वॉइस ऑफ इंडियन एनीबॉडी कैन सिंग के ग्रुप से और हमारे उमेश सर जी और हमारे प्रकाश सर जी की तरफ से उन सभी वीर जवानों और उन सभी वीर जवानों के परिवार को फिर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर वो लोग ने त्याग नहीं किया होता अपनी जानों का तो हम आज यहाँ पर नहीं होते। तो थैंक यू ऑल ऑफ हमारे जो सरहद पर जवान हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारी आज संगीतमय शाम गुजर रही है, ये शाम बिल्कुल भी शक्य न होती अगर हमारी ये जो दो महान हस्ती हैं जैसे कि प्रकाश संदे जी और मिस्टर उमेश विंची जी, अगर ये किसी के भी पास से मूल्य लिए बिना इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। कोई फीस नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया है और हम जैसे जो घर में कभी गुनगुनाते थे कलाकार, उन सभी को स्टेज दिया है। तो चलिए मैं आप सबको इनकी पहचान देती हूँ। मिस्टर प्रकाश चंदे जी, द वॉइस ऑफ इंडियन के फाउंडर मिस्टर प्रकाश चंदे जी, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर, एक सिंगर, एक प्ले डायरेक्टर, एक्टर, योगा मास्टर, मेमोरी एक्सपर्ट, आप उनको कभी भी कोई भी डेट दीजिए अपनी बर्थ डेट, वो इमीडिएट आपका डे निकाल के देंगे। आप कभी ट्राई कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर पर फोन करके। और मेमोरी एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनका एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है और उनकी खुद की प्रिंटिंग इंडस्ट्री है और ना जाने क्या क्या उनमें मल्टी टैलेंट है, हमें भी नहीं पता, हमें तो ठीक उन्हें भी नहीं पता। सो थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं और हम आपके पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। आज हम इस मुकाम पर है, जैसे कि मैं काजल सजदे जो कभी घर में रहती थी, हाँ मैं ब्यूटिशियन हूँ लेकिन सिंगिंग मैं घर पे ही करती थी, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया है सिंगिंग का और एंकरिंग का, थैंक यू सो मच प्रकाश जी एंड उमेश जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें एक नई पहचान दी। आज इंटरनेशनल लेवल पर मैं एंकरिंग कर रही हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपने हम पर इतना भरोसा रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, उमेश जी भी कुछ कम नहीं है, हमारे मिस्टर उमेश विंची जी भी कुछ कम नहीं है, उन्हें उनका भी बिजनेस इन डिफेंस सेक्टर, वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इवेंट ऑर्गेनाइजर एक्टर डायरेक्टर सिंगर और एंड वेरी वेल एडमिनिस्ट्रेटर है वो। और हमें कहीं भी कुछ भी तकलीफ होती है, कहीं भी हम उन्हें कभी भी फोन करते हैं तो वो हमें गाइडेंस करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, हमें उन दोनों का पूरा सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों के बिना ये प्रोग्राम कभी भी संभव नहीं होता था। द वॉइस ऑफ इंडियन की सिंगिंग की जर्नी उन्होंने
2017 से शुरू की थी, तभी उन्होंने सॉरी वहां उन्होंने एक ही दिन में 5 सीजन के ऑडिशन कंप्लीट किए थे। इन्होंने 12 फाइनल राउंड्स ऑडिशन के ऑल ओवर मुंबई में किए थे, उन्होंने 2 सेमीफाइनल राउंड्स भी किए थे और ग्रैंड फिनाले मुलुंड मुंबई इंडिया में उन्होंने किया था, जहां पे करीबन 1200 से ज्यादा ऑडियंस थी और उनके स्पॉन्सर थे हमारे इंडिया के बड़े एलजी कंपनी के स्पॉन्सर थे, जिन्होंने साउंड सिस्टम जैसी बहुत सारी मूल्यवान गिफ्ट सब कलाकारों को दी थी। और इस कठिन लॉकडाउन के समय में इन्होंने करीबन ऑनलाइन के जरिए 6 सीजन कंप्लीट किए, जहां 200 से भी ज्यादा सिंगर्स सभी अलग अलग देशों से जुड़े हैं और सबको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। अक्टूबर 2020 में उन्होंने एक बार 3 दिन का मेगा इंटरनेशनल सिंगिंग प्रोग्राम रखा था, जहां पे करीबन 8 कंट्रीज से लोग सब शामिल हुए थे और सभी ने पार्ट लिया था। और इस मेगा इवेंट के बाद भी वो आज भी रुके नहीं है, आज भी निरंतर उनके प्रयास चालू है। हर एक सिंगर को वो उनमें उनकी खामियां ढूंढते हैं, खूबियां ढूंढते हैं और उन्हें उनके मकाम तक पहुंचाते हैं। और आज फिर उन्होंने जो बड़ा काम किया है वो तो सराहने के काबिल ही है। जो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने 5 दिन का प्रोग्राम रखा है, जो हम कहते हैं आज आजादी का महोत्सव है, जो 75 साल हमारे पूरे होने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है और उसके लिए उन्हें पूरे देश में से जो सपोर्ट मिला है और उन्होंने जो लोगों को सपोर्ट दिया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। तो थैंक यू सो मच उमेश सी एंड प्रकाश जी, अगर आप दोनों ना होते तो हम लोग शायद यहाँ पर ना होते। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर से हम हमारे प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। काजल जी। हाँ सर। काजल जी एक बात कहना चाहता हूँ, आज का जो प्रोग्राम है हमारा इंडिया टाइम सिर्फ 7 बजे तक का है। 7 बजे के बाद हम लोग 7 बजे के बाद केन्या से प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो समय की पाबंदी है, केन्या वाले भी पीछे इंतजार करते हैं और केन्या का तो पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम ही है। तो आप सभी लोगों को निवेदन है कि 7 बजे के बाद भी जुड़े रहिएगा, हमें केन्या का प्रोग्राम देखने मिलेगा। अगर ब्रेक हो गया तो आप फिर से ज्वाइंट हो सकते हैं इसी आईडी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। ओके अच्छा हेमंत बारे जी, आज का जो प्रोग्राम है उमेश जी ने कहा उसका मतलब 5 से 7 नहीं है, 5 से 8.5 है। तो अभी काजल जी जो यहाँ पर एंकरिंग कर रही है वो 7 बजे तक करेगी और 7 बजे के बाद हर्षिता जी जो केन्या में रहती है और केन्या के लोग जुड़े हुए है, मतलब सिंगर्स भी केन्या के रहेंगे और एंकर भी केन्या के रहेगी, लेकिन प्रोग्राम यही है आई लव माय इंडिया और यही प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव रहेगा। सभी लोग ध्यान रखें। जैसे कि सबके गैलेक्सी और सब नाम है तो मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से नाम ले लेती हूँ, तो अवेलेबल है तो स्टार्ट कर सकते हैं। हेमंत पारेक जी आप रेडी हो? अविनाश दांगले आप रेडी हो? हरि किशन आर खत्री, जयश्री ठक्कर जी आप रेडी हो? हाँ रेडी हूँ। आप रेडी हो? Yeah. अच्छा आपके लिए 2 लाइन मैंने स्पेशली मेरी खुद से बनाई है। यहाँ पे कुछ लोग और भी जुड़े हैं जो इनका सिंगिंग का प्रोग्राम आज नहीं है, मतलब 23 को उनका शेड्यूल नहीं है, फिर भी उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे वीना ठक्कर या समथिंग, तो उन लोग को बताना चाहता हूँ भले आपका नंबर आज नहीं है फिर भी आप जुड़े रहिए, अगर समय मिला तो हम आप लोगों को भी शामिल कर लेंगे, तो आपका टर्न आज ही हो जाएगा। ओके आगे। हाँ जयश्री जी आपके लिए 2 लाइन। जयश्री जी हमारी मुलुंड मुंबई से हैं, आपके लिए 2 लाइन। पास है दिल के इस एहसास से ही, पास है तू दिल के इस एहसास से ही दिल अमीर हो जाता है, छू लेती हूँ जब भी तेरी धड़कन दिल फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। तो जयश्री जी के गाने के बोल हैं,
पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जयश्री जी के बाद डॉक्टर फिरदौस जी आप है तो आप रेडी रहिएगा। आवाज सुनाई दे रहा है? यस, आप शुरू कर सकते हो। ओके जिंदगी बहुत लंबी है क्या पता कब प्यास लग जाए। आपके गाने के बोल है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। चलिए आपका गाना बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गाना चुना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विदाउट म्यूजिक है मेरा सॉन्ग और मासूम मूवी से है। चले कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लीजिए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जी
सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। थैंक यू। पता ही नहीं चला हम संगीत के बगैर आपका ये गाना सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा गाया आपने, आते रहिए और गाते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कविता जोशी जी आप रेडी हैं? कविता जोशी जी के बाद अंशुमिता दत्ता चौबे, वो फ्रॉम चेन्नई, आप रेडी हो? कविता जोशी जी आप रेडी हो? भारती हसमुख मकवाना जी आप रेडी हो? ओके। कविता जोशी जी के बाद अगर भारती हसमुख मकवाना जी फ्रॉम थाने से आप रेडी हैं तो आप अपने ट्रैक के साथ रेडी रहिएगा। कविता जी आपके लिए दो लाइन। मेरे होठों ने हर बात छुपा कर रखी थी, मेरे होठों ने हर बात छुपा कर रखी थी, आंखों को ये हुनर कभी आया ही नहीं, आंखों को ये हुनर कभी आया ही नहीं। कविता जी के गाने के बोल हैं, अखियों के झरोके से। कविता जी आप अपना गाना शुरू कर सकते हैं। हेलो हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है काजल जी, आप दिख रहे हो मुझे? नहीं, म्यूजिक के लिए। ओके, तो आप गाना नहीं है, सीधा गाना है कुछ, माइक बैग तो मेरे पास तो है ही नहीं है माइक। हेलो, कर दिया है। कविता जी स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। ओके ओके सर। कविता जी के बाद भारती हसमुख शाह जी आप रेडी रहिएगा। अश्मुख मकवाना अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो करके
भरोसे पे कब मेरे भूल के तेरे भरोसे की आवाज बहुत अच्छी है सर, होने के लिए वीना होने के काबिल हो काजल जी। अभी सभी जो सिंगर आते हैं हमारे पास और ऐसे वेल नोन सिंगर है, वर्सेटाइल सिंगर है, तो उनकी खूबियां जो बताइए कविता जी के बारे में, उनकी सिद्धियां बताइए, ऐसा सभी का, नहीं कविता जी की बात नहीं हर एक की, तो कविता जी की सिद्धि क्या है, तो वॉइस ऑफ इंडियन की विनर। या वही बताने जा रही थी कि आप विनर होने के काबिल है। कविता जी हमारे वॉइस ऑफ इंडियन सीजन 5 की विनर रह चुकी हैं, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू, और आप काबिल हैं इसके, और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे। सिर्फ गाने के बोल नहीं है, इस गाने को साबित किया है हमारे देश के कई नौजवानों, वीर जवानों ने और उनके परिवार जनों ने। तो फिर से मैं एक बार द वॉइस ऑफ इंडियन एनीबॉडी कैन सिंग के हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर प्रकाश चंदे, मिस्टर उमेश सिंची और काजल सजदे और हमारी पूरी टीम की तरफ से उन सभी नौजवानों, वीर जवानों और उनके परिवार का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अंशुमिता दत्ता चौबे, आप रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। हाँ, उनके बाद भारती हसमुख मकवाना जी, आप रेडी है तो आप रेडी रहिएगा। हेलो, माय नेम इज अंशुमिता दत्ता चौधरी। टुडे आई एम गोइंग टू बी सिंगिंग आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। बड़ा ही प्यारा गाना है बेटा, बहुत प्यारा गाना चूज किया आपने। थैंक यू। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन की तली, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार करे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के चले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार करे। एक ऐसे गगन के चले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर मंगोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घंघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न चले, जहाँ गम भी न आंसू भी न, बस प्यार प्यार करे। एक
जहाँ दूर नजर आए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर आए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए सपनों में पली हस्ती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार करे आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार करे एक ऐसे गगन के तले ऐसे गगन के तले ऐसे गगन के तले ऐसे गगन के तले। क्या बात है अंशुमिता जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मैं 9 साल। व्हाट इज योर एज? हेलो, आई एम 9 इयर्स ओल्ड। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में इतना पुराना और अच्छा गाना गाया, सैल्यूट है आपको, वेरी गुड, कीप इट ऑन। एक बार हम सभी इस छोटी सी लिटिल प्रिंसेस के लिए तालियां बजाना चाहेंगे जो इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यारा गाना उसने गुनगुनाया है और गाने की चॉइस भी बहुत अच्छी है। बेटा ऐसे ही गाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच कमिंग फॉर कमिंग अवर ऑनलाइन शो। थैंक यू सो मच भारती हसमुख मकवाना जी, आप रेडी हो? यस। रामा आप रेडी हो? यस मैडम। आपके लिए दो लाइन्स। बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है। तो आपके गाने के बोल बहुत ही प्यारे हैं तो मैं गुनगुनाना चाहूंगी। कौन आया है के निगाहों में चमक जाग उठी, दिल में सोई हुई क्या है चमक जाग उठी, मुझे नहीं आता है पूरा ये, लेकिन आप बहुत अच्छे से गाइएगा। ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू मैडम। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिसमें से फूल चटकने की सदाएं आई, जिसमें से फूल चटकने की सदाएं आई। आ आ आ, 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 रूह खिलने लगी सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली,
शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली आ आ आ, 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 होठ तपने लगे, होठ तपने लगे, जुल्फों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, आ आ आ, 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 आ। साज बजने लगे, साज बजने लगे, आ चल में धनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। भारती जी वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत अच्छा निभाया, लेकिन आपने हमको, आपने हमको आपका म्यूजिक नहीं सुनाया, आपको म्यूजिक सुनाई देता था। हाँ एक्चुअली नहीं, नहीं म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा नहीं, मैं सोचा कि आपने, आप म्यूजिक सुन रहे हो और हमको नहीं सुनाई दिया था। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम गाया करके मैं कराओके के साथ नहीं गया, एक्चुअली आई नो कराओके सिंगिंग ऑल्सो, बट फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ विदाउट म्यूजिक ओनली, यू कैन शेयर द म्यूजिक ऑल्सो। दूसरा अगर मोबाइल, अगर जो आपका ट्रैक है ना तो वो आप चालू करेंगे ना तो आपका ट्रैक का आवाज भी आएगा और आपका भी आवाज आएगा, दोनों भी साथ में आएंगे। ओके ओके, बिकॉज़ आई डिडंट नो एक्चुअली, दो मोबाइल की जरूरत होती है। अच्छा दो मोबाइल की जरूरत होती है तो आप, नहीं मेरे पास है एक्चुअली, इवन आई हैव माइक, बट फर्स्ट टाइम सो आई ट्राइड डायरेक्ट, इट्स लाइक दैट। ठीक है, बट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सपना जी, सभी से निवेदन है 3 मिनट की मर्यादा को ध्यान में रखें जरा प्लीज, क्योंकि हम सबको चांस देना है और 7 बजे हमको जाना है केनिया फ्लाइट पकड़ के। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साधना जी ने इस गाने में अपने अभिनय के जरिए जान भर दी थी और अपने गाना गा के इसमें जान भर दी है, बहुत ही प्यारा गाया आपने, आते रहिए और गाते रहिए, थैंक यू सो मच। आनंद रामा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आनंद रामा स्वामी जी, बेंगलोर से आप रेडी हो? एना मेन मानस आवे ने केदो बोस। अनिल मंगललाल परमार कल्याण से आप रेडी हो? अनिल मगनलाल परमार। कविता सोमैया जी आप रेडी हो? हेलो, हाँ यस मैम। कविता सोमैया मुलुंड मुंबई से है, आपके गाने के लिए 2 लाइन। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, लम्हे हैं चलो हंस कर बिता दे, जाने कल तो मुकेश जी का गाया हुआ गाना कविता जी हमारे सामने लेकर आ रही है। ओहरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन सजल में कोई जाने ना, अरे ताल मिले। कविता जी आप अपना गाना शुरू कीजिए, थैंक यू।
हेमंत बारेक जी आप रेडी हैं? मैं सर अभी सभी के नाम जैसे मोबाइल से है तो मैं सिर्फ नाम एक बार ले लेती हूँ, अगर कोई रेडी है तो। हेमंत बारेक जी आप रेडी हो? परत कंसारा जी आप रेडी हो? भरत कंसारा जी के लिए दो लाइन है। हजारों ख्वाहिशें हमने एक साथ तोल कर देखी, हजारों ख्वाहिशें हमने एक साथ तोल कर देखी, उफ ये तेरी चाहत फिर भी सब पे भारी पड़ी, उफ ये तेरी चाहत फिर भी सब पे भारी पड़ी। भरत जी के गाने के बोल हैं, अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं। तो चलिए आप अपना गाना शुरू कीजिए। Excuse me, काजल सचदेव जी, मैं बीच में बोलती हूँ, वीणा ठक्कर नाम है क्या लिस्ट में प्लीज? नहीं, आपका नाम नहीं है वीणा ठक्कर, आज नहीं है, लेकिन आ जाएगा। हेलो, आपका नाम नहीं है लेकिन आप गा सकती है, रुकिए लाइन पे रहिएगा। हाँ, मैं स्टार्टिंग से लाइन पे ही हूँ, सुनिए। हाँ, लेकिन अंत तक रहिएगा, आपका नंबर आ जाएगा, डोंट वरी। मैं जुड़ी हूँ, स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ। हाँ बोलिए। भरत जी के बाद आप रेडी रहिए, मैं पता है, पता है, पता है, ठीक है। थैंक यू मैडम। भरत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, भरत जी, भरत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नहीं एकदम स्लो थे, एकदम स्लो आ रही है, एकदम स्लो आ रही है। माइक रिकॉर्डिंग माइक कहाँ है? माइक के पास में तो स्पीकर को ओके जैसे कुछ बोलिए स्लो आ रही है। वीना जी को ले लेती हूँ, जैसे ऐसे लगता है मंगल ग्रह से आ रही है ऐसा। हेलो 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 ठीक है बाद में लेते हैं, पहले वीना जी को ले लेते हैं। वीना जी आप ले लीजिए। हेलो मैम, मैं भरत जी वीना जी को हाँ चलिए हाँ थैंक यू। सैया दिल में आना रे आके दिल ना जला रे ओ आके दिल ना जला रे चमचमा चमचम राजा बन के आना रे मोहे लेके जाना रे ओ मोहे लेके जाना रे चमचमा चमचम। थैंक यू मैम। चांदनी रात होगी तारों की बारात होगी, चांदनी रात होगी तारों की बारात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात, खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे सैया दिल में आना रे आके किन्ना जाना रे आके किन्ना जाना रे चमचमा चम। थोड़ी थोड़ी खेल होगी थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, थोड़ी थोड़ी खेल होगी थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, कभी इंतजार होगा कभी इनकार होगा, कभी इंतजार होगा कभी इनकार होगा, तेरा बनाना मेरा यूं जाना रे सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे आके फिर ना जाना रे चम चमा चम चम राजा बन के आना रे मोहे लेके जाना रे ओ मोहे लेके जाना रे चम चमा चम चम। सॉरी बंद हो गया, मैं ऐसे ही गा लेती हाँ एक लाइन ऐसे ही गा लेती। तुम मेरे पास होंगे गम बड़ी दूर होगा, तुम मेरे पास होंगे गम बड़ी दूर होगा, कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा, कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा, लाना रे लाना तशरीफ लाना रे सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे आके फिर ना जाना रे चम चमा चम चम राजा बन के आना रे मोहे लेके जाना रे ओ मोहे लेके जाना रे चम चमा चम चम। मैम थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एज इज जस्ट अ नंबर, ये आज आपने साबित कर दिया, कोई भी उम्र किसी भी चीज को बंद हो गया होता है बस आते रहिए और गाते रहिए। थैंक यू सो मच। काजल जी,
काजल जी मुझे आपसे थोड़ी सी छोटी सी बात कहनी है। एक्चुअली मैं भी एंकरिंग कर चुकी हूँ और मेरे पास ढेरों डायरी ढेरों है। सुनो आप ये सब बाद में प्रकाश जी और उमेश जी के साथ शेयर करना, अभी हमारे पास समय की मर्यादा है। ओके एनीवे थैंक्स अगेन। भरत जी आप रेडी हो? आपको जरूर चांस मिलेगा वीना जी, वीना जी आपको एंकरिंग के लिए जरूर चांस मिलेगा। आप हमारा नंबर ले लीजिएगा, बाद में कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? हाँ आ रही है जी। थैंक यू, सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम। शुरू करो, थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अच्छा एक सेकंड, माइक का माइक में वॉल्यूम कंट्रोल तो है नहीं, थोड़ा नजदीक से गा लेता हूँ। हेलो, हाँ थोड़ा पास में रखिएगा मुंह के पास तो अच्छा आएगा। ठीक है जी, जी जी शुरू कीजिए। ठीक है ओके मैं शुरू करता हूँ। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करो, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करो। जी में आत्मा के जी भर के तुझे प्यार करूँ, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जीने आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई फिरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम दम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम दम ले लूं। आए मैं किसी तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि निभाते तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। थैंक यू सो मच। बहुत दिल से निभाया आपने इस गाने को, बहुत ही अच्छा गाया, आते रहिए और गाते रहिए, बहुत ही प्यारा गाया आपने। अनिल मगनलाल परमार कल्याण से आप रेडी हो? भारती हसमुख मकवाना अनिल मगनलाल परमार जी आप रेडी हो? आनंद रामा स्वामी जी आप रेडी हो?
जयंत जोशी जी आप रेडी हो? चेतना देवराज मौर्या आप रेडी हो? हेमंत पारेख जी आप रेडी हो? अविनाश डांगले जी आप रेडी हो? अगर आप में से कोई गाना चाहता है तो आप सामने से आ सकते हो। इनके अलावा जो कौन है, हाजिर है जिनका आज नाम नहीं पुकारा गया, अगर वो गेस्ट है या सिंगर है, आप भी है, काजल जी है, और भी कोई गेस्ट है जिसका नाम नहीं पुकारा गया? नहीं, सबका ले लिया है मैंने, सबका ले लिया है। ओके, गेस्ट में काजल जी गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं, नहीं तो मैं ले लूं। आप ले लीजिए काजल जी, चलो प्रोग्राम। चलिए एक बार फिर हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के तो देख लेना। तो चलिए फिर से हम एक बार वॉइस ऑफ इंडियन द एनीबॉडी कैन सिंग से हमारी पूरी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए मैं अभी मेरा गाना काजल सजदे मुलुंड से, मुलुंड मुंबई से मेरा गाना शुरू करती हूँ। मेरे गाने के लिए मैंने चार लाइनें लिखी हैं। रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, न चाहते हुए भी प्यार होता है, क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूट जाने पर भी उनके सच होने का इंतजार होता है। तो मैं काजल सजदे जी, नूतन जी ने गाया हुआ गाना है, लता दीदी ने गाया हुआ गाना है और नूतन जी ने निभाया है। और नूतन जी ने ये गाने के समय जो अपने मुंह पे इंतजार की जो तड़प दिखाई है वो मैं आज मेरे शब्दों में बयां करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you.
क्या बात है काजल जी, आपकी एंकरिंग और गाना बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये वंदना जी है, वंदना डोरिया जी, उनको ले लो। एंकरिंग भी अच्छा निभाया और गाना भी अच्छा निभाया, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, बिल्कुल वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग काजल, हाय। हाय। So I will like to sing one song for the today's movement. You just reminded Vandana me one song. Dodia. Yeah. Yeah. Music is coming. Yes, yes, coming, coming. जीवन का फलसफा है कि आज ही आज है, यही क्षण में हमें जीना है, यू नो, हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है। आज चाट बचा दिस वन, दिस इज फिनिश ह्यूमैनिटीज एंड प्लीज सेंड सेंड दिस पिक्चर योर आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। प्रकाश सर ने, उमेश सर, बन्ने ने, थैंक यू ने, काजल ऑसम एंकरिंग एंड ऑल सिंगर्स वर गुड, यू नो, वी एंजॉयड द प्रोग्राम, गुड सिंगिंग, कैरी ऑन, गुड सिंगिंग। अनजाने सायू का राहु में डेरा है, अनदेखी बाहू ने हम सबको घेरा है, ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आ लांबू सॉन्ग छे, आगळ गाओ के वधावी दो, गाओ 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 गाओ, बहुत सारा गाओ छो, तमे गाई लो। बाय द वे वन्ना बेन चार्टर अकाउंटेंट छे, ड्यू टू एक्सटेंशन गावानो मोको मळी गयो आजे।
डेट एक्सटेंड થાય ને તો જ ગાવાનો મોકો મળે નહીં તો ના મળે નામ પણ સરસ હતું વક્ત સમય જ છે જે આપણને બધું શીખવાડે છે સમય જ આપણને હર ક્ષણમાં જીવાડે છે અને કઈ પણ તકલીફ આરામ પણ હિલ સમય જ કરે છે ઇસ પલ કી જલવોને મહેફિલ સવારી હે ઇસ પલ કી ગરમીને ધડકન ઉભારી હે इस पल के होने से दुनिया हमारी है ये पल जो देखो तो सदियों से भारी है जीने वाले सच यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू जो भी है बस यही एक पल है आगे भी जाने न तू So this is what opportunity was given by Prakash sir. Anyone wants to sing? Kajal also asked, and I took that pearl. Thank you very much. क्या बात है? Salute, salute. आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी वीना जी. समय सबके पास है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं. समय सबके पास है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं. जो चाहे कर लो आज में ही. कल का भरोसा ही नहीं और आपने इस पल को आज क्या अपनी मुट्ठी में कर लिया है काबिले तारीफ है बहुत ही प्यारी अदाओं से आपने इस गाने को निभाया है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो थैंक यू सो मच और चलिए अभी समय हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का है तो मैं केन्या इज कॉलिंग माय मॉम इज फ्रॉम केन्या माय मॉम बोर्न इन केन्या यू नो इस प्रोग्राम को सब बने रहिएगा अभी केनिया वाले सब आने वाले गाने के लिए केनिया वाले आने वाले हैं सर यस मम्मी को बोलती हूँ मैं भी माय मॉम इज फ्रॉम आप सभी को ये कहना चाहता हूँ हेलो हाँ बोलिए सर वन्ना जी अभी का जो प्रोग्राम है ये कहना चाहता हूँ ये प्रोग्राम है सिर्फ एक दिन का नहीं है आप लोगों का नंबर आ गया हेलो जिसका गाना हो गया वो 5 दिन अपना अटेंडेंस दे सकता है हाजिरी दे सकता है सुनने के लिए आ सकते हैं और सभी को आना चाहिए आई थिंक और वन्ना जी आज का प्रोग्राम अभी अभी जो केन्या का प्रोग्राम है वो मुंबासा से ही होने वाला है मैक्सिमम सिंगर्स फ्रॉम मुंबासा यस आई हर्ड यू टोल्ड ना दैट एंकर इज आल्सो फ्रॉम केन्या एंकर इज आल्सो फ्रॉम केन्या सो ओके काजल जी अब हम यहाँ पर समाप्ति की घोषणा करें सो वी कैन जस्ट मोमेंटरी फिर स्विच ऑफ मतलब कंटिन्यू करेंगे लेकिन मैं फेसबुक बंद करके दूसरी बार स्टार्ट करूंगा तो आप ठीक है मैं समय समाप्ति की घोषणा करते हुए अपने हमारे द वॉइस ऑफ इंडियन एनीबॉडी कैन सिंग के ऑर्गेनाइजर मिस्टर उमेश मिंटी जी और मिस्टर प्रकाश मिंटी जी की तरफ से और मैं एंकर काजल सजदे हम तीनों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सरहद से जो जिन जवानों ने अपनी जान दी है और अभी भी दे रहे हैं और उनके परिवारजनों का सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस एंकरिंग के दौरान अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू अपने यहाँ पर आया और अपना कीमती समय दिया और हमें सभी कलाकार को बहुत खुशी और शांति से सुना बस ऐसे ही आते रहिए और गाते रहिए और हमें सुनते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू उमेश भाई बहुत मस्त प्रोग्राम है तो सुपर मजा आई गॉड ब्लेस यू ऑल हाजी छे वीना भाई हाजी छे हाजी 1:30 छे अबे केनिया थी सिंगर ओ बता आवसे केनिया थी अच्छा हाजू कंटिन्यू रखिए हां कंटिन्यू रखिए
थैंक यू मिस्टर प्रकाश चंदे जी और मिस्टर उमेश सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बहुत अच्छा आपने निभाया। उमेश भाई, बाय बाय, उमेश भाई थैंक यू, बाय। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ है, फिर